नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको बोट शेप नेक के एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाने का आसान सा तरीका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हमें डिज़ाइन बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिएगा। ये दोस्तों मैंने फ्रंट लिया हुआ है कमीज का, जिसमें हम बहुत ही सुंदर बोट नेक बनाएंगे। और ये मैंने डिज़ाइन के लिए कपड़ा लिया हुआ है, जिसको हम डिजाइनिंग में यूज करेंगे। और ये मैंने बुकरम ली है, जिसमें से हम गला कट करेंगे। तो सबसे पहले हम गला कट कर लेते हैं। बोट नेक के लिए जो हम बुकरम लेते हैं, उसकी चौड़ाई तकरीबन 10 इंच होनी चाहिए, क्योंकि हमें 8.5 से 9 इंच का ब्रॉड नेक काटना होता है। यहाँ पे हम 8.5 पे निशान लगाएंगे और डीप लेंथ रखेंगे 3.5 से 4.25, इस तरीके से। ये मैंने डबल बुकरम ली है दोस्तों, और एक साइड से ये पेस्ट हो जाती है प्रेस से और एक साइड रफ होती है। यहाँ पे दोस्तों इस निशान से और ऊपर के निशान तक हम इस तरीके से हल्की सी राउंड शेप लेते हुए इस प्रकार निशान लगाएंगे। अब हम जो डिजाइन बनाना है, थोड़ा नीचे तक लेके जाएंगे एक डिजाइन को। जैसे ऊपर से हम 10.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमने क्या करना है, आप चाहे तो इस तरीके से 2.25 से 2.5 इंच पे इस तरीके से सीधे निशान लगा सकते हो। इनसे आपको क्या हो जाता है कि थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस तरीके की हम शेप डालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रकार शेप देते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब थोड़ी ऊपर इसी प्रकार की शेप डालेंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे, फिर एक शेप और डालेंगे, इस प्रकार निशान लगाएंगे। अब हम ऊपर की लास्ट की शेप देंगे इस प्रकार की। दोस्तों इस तरीके से हमने ये निशान लगाए हैं, इन्हीं निशानों के ऊपर कंप्लीट करते हैं। ये जो मैंने सीधे निशान लगाए हैं, सिर्फ एक आइडिया के लिए लगाए हैं, जहाँ पे हमारे बिल्कुल गोलाई सही बैठती है। अगर हमारी गोलाई थोड़ी ऊपर बैठती है तो आप यहाँ पे भी निशान लगा सकते हो। इस तरीके के निशान लगा के हमें ये कट करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखने में जो चीज़ सुंदर लगती है वही आपने कटिंग करनी है। कई बार क्या होता है कि निशान बिल्कुल सही नहीं होते, लेकिन जहाँ पे हमारी देखने में बिल्कुल निशान सही आएंगे और देखने में गोलाई सही आएगी, वहीं पे आपने कटिंग करना है। एक निशान दोस्तों हमने यहाँ पे कट डालना है, उसका लगाएंगे इस प्रकार से। अब हम इन निशानों के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। तरीके की शेप की हमने कटिंग की है। अब हमने जो ये निशान लगाया था, मैंने इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इस गले को ओपन करके देखेंगे कि हमारे गले की शेप किस तरीके से आएगी। इस प्रकार की दोस्तों हमारी शेप आएगी। अब हम गले की बुकरम वाले पीस को, जो हमने गला कट किया है, उसको इस फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने ये गले को पेस्ट कर लिया है। अब हमने आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस प्रकार कटिंग करनी है।
दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे। अब हम जहां जहां पे गोलाई आएगी वहां पे इस प्रकार के कट डालते हुए दो दो तीन तीन कट लगाने हैं हमें। और ये इस कपड़े को हम अंदर की साइड इस प्रकार फोल्ड कर लेते हैं प्रेस से। दोस्तों जैसे मैं ये कपड़ा फोल्ड कर रहा हूँ इसी प्रकार हम सभी जगह का सभी गोलाई वाली हिस्से का कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने ये कपड़ा बुकरम वाले गले के ऊपर फोल्ड किया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगा। दोस्तों अब हम गले को कमीज के फ्रंट के ऊपर इस प्रकार रखेंगे, जो हमारा फ्रंट होगा वो उल्टी साइड ऊपर की साइड होगा। और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो सेंटर में पहले कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो जिससे कि सेंटर आउट ना हो, या आप थोड़ा ध्यान से इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा सकते हो। सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस प्रकार कट करेंगे। जहां पे नोक आएगी वहां पे हम बिल्कुल सिलाई के नजदीक तक कट लगाएंगे, और जहां गोलाई आती है वहां पे इस प्रकार से कट लगाएंगे। अब हम इस गले को पलट लेते हैं इस प्रकार नोक निकालते हुए। दोस्तों पलटने के बाद हमारी जो गले की सेव आएगी इस प्रकार आएगी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले किनारे की सिलाई लगाएंगे। किनारी की सिलाई लगाने के बाद बाहर के बार की सिलाई कंप्लीट करेंगे। हमें कपड़े का ध्यान रखना है, अगर ये थोड़ा बाहर निकलता है तो उसको अंदर अच्छी तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है।
प्रकार दोस्तों हमने गला तैयार किया है। दोस्तों जो हमने गला तैयार किया है, अब हमने क्या करना है, गले के ऊपर इस प्रकार के जो ये मैंने मोती लिए हुए हैं, जो ये मोती हैं, एक मोती हम यहाँ पे सेंटर में लगाएंगे और जहाँ पे हमारी नोक बनेगी वहाँ पे हम ये मोती लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोक पे लगाएंगे, दोस्तों इस प्रकार हमने ये मोती लगाने हैं। क्या करना है, एक साइड से इस प्रकार से सुई नीचे से निकालते हुए अब हम एक मोती में इस प्रकार डालते हैं और हल्का सा गैप रखते हुए नीचे की साइड सुई निकाल लेंगे इस प्रकार, इस तरीके से दोस्तों, और फिर से एक बार लेंगे नीचे से, फिर दोबारा निकालते हुए इसको टाइट कर लेते हैं, फिर बीच में से निकालते हुए फिर नीचे की साइड डालते हुए सुई इस प्रकार नीचे निकालते हुए इस तरीके से यहाँ पे टाइट कर लेते हैं, और धागा टाइट करने के बाद नीचे की साइड हम इस तरीके से गांठ लगा देते हैं। फिर हम कैंची से इसको कटिंग करेंगे। धागा कटिंग करने के बाद हम सीधी साइड से देखेंगे, इस प्रकार हमारा ये मोती आ जाते हैं। इसी तरीके से हम सभी मोतियों को कंप्लीट कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे नोक आती है। इस तरीके से दोस्तों हमने सभी मोती लगाकर गला कंप्लीट किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।